खूबसूरत अमना ने न्यू ड्रेस पहना हुआ है हम्म शूज की तरह आपके ये ये मां सिद्ध की असलम जी कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह आज कुछ बेहतर हूँ और बच्चे भी कुछ बेहतर हैं बस आपको पता है कि चार से पाँच दिन तो लगेंगे अभी आहस्ता आहस्ता अभी तो बीमारी जाने में बच्चों का भी क्लिप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और आज इनको मैंने शॉवर दिया है क्योंकि आपको पता है पसीना आता है बुखार की वजह से और फिर उसकी वजह से और ज़्यादा नकात और अजीब सी बंदे की ना तबीयत तो हो जाती है और जिनकी आदत और डेली का शावर लेने की तो फिर वो थोड़ा सा और ही मसला करता है तो बस अभी जी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए किचन में मिक्स वेजिटेबल बनाने जा रही हूँ सभी के लिए ना मटन का सूप बनाने जा रही हूँ अच्छा मैंने एक दो दफ़ा चिकन का भी सूप बनाया था लेकिन उससे यकीन कर इतना खास फर्क नहीं पड़ता है लेकिन मटन का सूप जो होता है उससे ना आपकी बॉडी में बहुत अच्छी सी या ना एकदम सी जान सी पड़ जाती है और साथ ही मैं जी मिक्स वेजिटेबल बनानी है खाना बनाने जा रही हूँ क्योंकि खाना खाना है सब ने

हम्म शूज की तरह आपके ये ये माँ सिद्ध की जी शावर दिया और कपड़े गरम जरा बच्चों को पहनाए मैंने थोड़ा सा नहाए हैं तो उसके बाद जरा फ्रेश हो गया ठीक है अमना फ्रेश हो गई है हम्म शुक्रिया अमना उठी है अमना का टेम्परेचर उतरा हुआ आमना है अमना को मेडिसिन दे दिया मैंने और आ, 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 कभी उठ जाता है कभी लेट जाता है बस यही सिलसिला चल रहा है यहाँ जी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिल्तन प्योर का कैसिया हनी बहुत ही ज़बरदस्त शायद है हमारे घर में तो तकरीबन डेली का इस्तेमाल होता है ठीक है कभी कोई ब्रेड पे लगा के खा रहा होता है कभी कोई पराठे के ऊपर अच्छा सबसे ज़्यादा इसकी जो मुझे अच्छी बात लगती है कि बच्चों को देने में बिल्कुल भी मसला नहीं होता है बच्चे बिल्कुल भी मुँह नहीं चढ़ाते हैं कि भाई हमने नहीं लेना एक टी स्पून डेली की ना आपने बच्चों को दे देनी है आज जैसे कि आपको पता है वेदर चेंज हो रहा है और गले ख़राब ज़ुकाम बुखार और साथ ही में स्पेशल जो खांसी हो होती है ना उसके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ठीक है इसके ऊपर स्पेशल मेंशन भी किया गया है कि आप जब भी गला ख़राब हो या फिर खांसी हो तो आप इसको ले सकते हैं और भी बहुत ज़्यादा खसूसियात हैं ऊपर सारी इसकी मेंशन की गई हैं उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और मेरे कहने पे आप इसको लाजमी मंगवाइएगा और यूज़ कीजिएगा बहुत ज़बरदस्त है ये आप जी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप ही हमारे साथ मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी शेयर करें तो चलें जी आज, आज आपके लिए हाजिर है यहाँ पे मैंने ले ली है गोभी एक बड़ा फूल और साथ ही में ले लिए हैं दो बड़े प्याज इनको मैंने चॉप कर लिया है साथ ही में जी दो दरम्यी गाजर हैं इनको छील के इस तरह से कट कर लिया है एक पाव मटर थे वो मैंने निकाल लिए हैं और ये जी है बैंगन इसको इस तरह से कट कर लिया दो क्यूब मैंने ले लिए हैं अदरक लहसन के और तीन से चार टमाटर थे और इसमें तीन चार मिर्चें डाल के ना इसको मैंने ब्लेंड किया है ठीक है दो बड़े आलू ले लिए थे और साथ ही में चितन प्योर का मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल और साथ ही में जी दश के मैंने सारे के सारे स्पाइसिस रख लिए हैं ठीक है अब हम इसको बनाना कैसे है वो भी मैं आपको बताती जाती हूँ पैन यहाँ पे मैंने खाली रख लिया है और साथ ही में जी मैंने रख लिया है कुकर भी अच्छा कुकर के अंदर मुझे बनाना है सूप क्योंकि आजकल डेली का सूप आ रहा है ये जी है मटन तकरीबन पौना के कर लें और इसका जी हमने यखनी निकालनी है तो वो भी साथ ही में मैं छोटी सी रेसिपी दे, दे दूँगी क्योंकि इसके साथ यकीन करें हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है और यहाँ पे जी मैं यूज़ कर रही हूँ चिल्ड्रन प्योर का कुकिंग ऑयल बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल है तकरीबन ख़त्म हुआ पड़ा है अच्छा इसके साथ जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो पता नहीं ये ऑयल कहाँ गायब हो जाता है बिल्कुल भी खाने में नज़र ही नहीं आता है ठीक है ऑयल अच्छे से हो गया था गर्म और इसके अंदर जी मैंने डाल दिए हैं सारे प्याज प्याज़ों को जी हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है और इसका हमने बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना है हमारी वेजिटेबल बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होनी चाहिए इसको हमने अच्छे से गोल्डन सा ब्राउन सा कलर दे लेना है कुछ इस तरह से और अब जी इसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ अदरक लहसुन अच्छा आप कहेंगे कि के मैंने दो क्यूब रखे थे एक क्यूब जो मैंने यखनी बनानी है ना उसके लिए मैंने रखा था और एक क्यूब मैंने मिक्स वेजिटेबल के लिए रखा है ठीक है अब जी इसके अंदर हमने इसको अच्छे से मेल्ट भी कर लेना है और साथ साथ में फ्राई भी कर लेना है अच्छी तरह इसको फ्राई कर लेने के बाद अब जी बारी आती है स्पाइसेस की और स्पाइसिस इसमें जा रहे हैं सबसे पहले सूर्ख मिर्च एक टेबल स्पून क्योंकि अच्छी खासी वेजिटेबल है तो एक टेबल स्पून कुछ ज़्यादा नहीं होगी और साथ ही में जी डेढ़ टी स्पून इसमें जा रही है नमक की हाफ टी स्पून हल्दी डेढ़ टी स्पून जा रही है धनिया पाउडर और एक सीधी सी टी स्पून मैंने डाल दी है इसके अंदर जी कुटी हुई लाल मिर्च कुटी हुई लाल मिर्च से इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा आता है मतलब वो कुटी हुई लाल मिर्च नज़र आ रही होती है वेजिटेबल के ऊपर बहुत अच्छी लगती है दो मिनट फ्राई करेंगे हाफ कप हम इसमें शामिल कर देंगे पानी का और बहुत ही प्यारा सा ना हमारी ये देखें ग्रेवी तैयार हो जाएगी यहाँ पर ये देखें बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा इसके साथ जी इसका कलर आ जाता है ये देखिए कुछ इस तरह से अब जी हमने जो टमाटर ब्लेंड करके रखे हुए थे वो अब हम इसमें शामिल करेंगे ठीक है अगर आप चाहें तो थोड़े से और भी टमाटर डाल सकते हैं ठीक हो गया और आप जी हमने इसको अच्छे से ना ढक्कन दे के दो मिनट के लिए ना पका लेना है कि हमारे आधे से ज़्यादा ना टमाटर जो है ना वो ड्राई हो जाए साथ ही में जी मैं यखनी भी रखने जा रही थी तो मैंने कहा चलें छोटी सी रेसिपी है आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ तकरीबन पौना के जी यहाँ पर ले लिया मैंने मटन का अच्छी तरह से वॉश करके और बाल वगैरह देख लीजिएगा इसके ऊपर से और पूरा एक जखना मैंने इसके अंदर पानी का शामिल कर दिया तकरीबन छः गिलास बनते हैं एक क्यूब डाल दिया है अदरक लहसुन का और स्पाइसी में जी जा रहे हैं नमक चौथा हिस्सा चम्मच का नमक और चौथा ही चम्मच का जी मैंने इसमें शामिल कर दिया हल्दी और दो बड़ी इलायची और एक टुकड़ा दालचीनी का ये चीज़ डालने के बाद इसको हम करेंगे बहुत अच्छे से मिक्स बहुत ही लाइट सी बनती है यखनी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी और ताकत वाली होती है जी इसको ढक्कन दे के तो मैं गलने के लिए रख दूँगी साथ ही में जी हमारे टमाटर भी काफ़ी ड्राई हो चुके हैं और इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं आलू अच्छा आलू सबसे पहले जाएंगे क्योंकि आपको पता है आलू हार्ड होते हैं और उनको गलने में टाइम लगता है आलू मैंने थोड़े से ज़्यादा लिए हैं क्योंकि आमना इब्राहिम ज़रा ज़्यादा शौक से खाते हैं तो आप एक बड़ा आलू भी ले सकते हैं मतलब बहुत ज़्यादा अगर आप आलू लाइक नहीं करते हैं तो अच्छी तरह से जी इसको मैं करूँगी मिक्स और तकरीबन ठाक के दो से तीन मिनट के लिए ना इसको मैं पका लूँगी ताकि साथ ही में हमारी ग्रेवी भी तैयार होती जाएगी साथ साथ में हमारी वेजिटेबल भी गलती जाएगी और अब जी इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए हैं गाजर अच्छा जो गाजर मैंने दो मीडियम कट कर करके रखी थी ना वो डाली हैं और साथ ही में जी डालने जा रही हूँ मटर अच्छा मटर ये मेरे फ्रीज थे वो मैंने शामिल किए हैं अगर आपके पास फ्रेश हैं तो बहुत अच्छी बात है और अच्छी तरह से जी इसको मिक्स करके तकरीबन दो मिनट के लिए ही ना मैंने ढक के तो इसको भी अच्छी तरह से मतलब दो मिनट के लिए बस पका लेना है अच्छा मेरी आदत है जब भी मैं वेजिटेबल बनाती हूँ तो उसको ढक के बनाती हूँ और यकीन करें बहुत ज़्यादा अच्छी बनती हैं बहुत ज़्यादा मज़े की बनती हैं और ये जी अच्छी तरह से इसको भी मैंने कर लिया मिक्स अब जी इसके अंदर मैंने डालनी है गोभी गोभी को अच्छी तरह से साफ़ करके और कट कर लिया था और वॉश कर लिया था बहुत अच्छे से और छलनी में लाजमी डाला करें ताकि एक्स्ट्रा सारा जो पानी है ना वो इसमें से निकल जाए ठीक है नहीं तो वो बहुत ज्यादा ऐसे अजीब सी टूटनी और भुरनी शुरू हो जाती है गोभी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है गोभी जी डालने के बाद बहुत अच्छे से इसको मैंने कर लेना है मिक्स और साथ ही में जी जो बैंगन मैंने काट कर के करके रखा था ना वो अब मैंने इसके अंदर शामिल कर देना है बैंगन गोभी जी कट कर करके और पानी के अंदर मैंने डिप कर दिया था ताकि ब्लैक ना हो असल में आपको दिखानी भी होती है साथ साथ में चीज़ें और फिर इसलिए मजबूरी होती है कट करके रखना अच्छी तरह से इसको मिक्स किया है और कोई पानी का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो रहा है आप देख रहे हैं मैंने बिल्कुल भी पानी कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं किया है और अब जी बिल्कुल आहिस्ता आंच के ऊपर अब हमने इसको ढक्कन दे के तो रख देना है गलने के लिए गोभी और सारी वेजिटेबल अपना पानी खुद से निकालेंगी और उसी में ये गलेंगी ठीक है और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है आप लाजमी बनाइएगा जैसे मैं बना रही हूँ तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी ठीक हो गया अब ये जी मैं आपको एक दफ़ा इसका पानी दिखाती हूँ ये देखिएगा हल्का सा मैं आपको ये देखें ये वेजिटेबल का अपना पानी निकला है और उसी के अंदर ये जी वेजिटेबल मार रही हैं ठीक हो गया अब जी हमने इसको हल्का सा किया है मिक्स और अब इसमें मैं डालने जा रही हूँ पालक अच्छा पालक मुझे पहले आपको दिखाने की याद नहीं थी रही जब मैं धनिया निकालने गई हूँ तो मुझे फिर पालक याद आई है कि धनिया और मैंने डालना है बीच में सबुज़ मिर्चें तो साथ में मैं पालक भी ले आई थी और एक टी मैंने भर के इसमें डाल दी है गर्म मसाला और साथ ही में जो मैंने धनिया और सब्ज़ मिर्चें कट करके रखी थी ना ये ये मैं थोड़ी थोड़ी इसमें शामिल कर दूंगी और बाकी हम थोड़ी सी गार्निश के लिए रख लेंगे ठीक हो गया और क्योंकि हमारी काफ़ी हद हाँ तक वेजिटेबल गल चुकी है अब इसके बाद हमने इसको बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं है ताकि हमारी वेजिटेबल टूटे नहीं और ये देख लें माशाला कितना प्यारा हर, मतलब रंग बिरंगा सा ना इसका कलर आता है और इसी तरह से इसका टेस्ट भी होता है आप पे इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं आप इसको चावल जैसे हम बनाते हैं राइस बॉईल करते हैं उसके साथ भी आप खा सकते हैं बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है और मेरी तो मिक्स वेजिटेबल यकीन कर बहुत ज़्यादा मशहूर है आप लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी है और जी बैर जो सिस्टम चाह रहा है वो मुकदस यहाँ पर बैठ के रही है वालेकुम वालेकम्ल असल में मसला ये है कि यहाँ पे इसलिए पाड़ गया क्योंकि मुझे बार बार इसकी ज़रूरत पड़ती है कि कोई न कोई बुलाना पड़ता है कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है तो फिर ये है किधर होती है सामने और अम्मी का भी जैसे मैंने आपको बताया कि तबीयत ठीक नहीं है उनको तो बल्कि मैंने खाना बना दिया है और वो खाना खा कर तो सो ही हुई हैं ठीक है, है। सभी की तबीयत खराब हुई हुई है मेडिसिन वगैरह सभी ले रहे हैं और बस अल्लाह पाक से दे सबको शुक्र है ये ठीक है अभी ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਪੜ ਲੋ ਨਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਤੀ ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ और ये जी ए, मिक्स वेजिटेबल की है फाइनल लुक ठीक है ये मैंने दम दे दिया था और पानी में आपको दिखाती हूँ ये देख लें पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है वेजिटेबल और ज़्यादा यहाँ पे हम इेंगे नहीं ताकि हमारी वेजिटेबल टूटे नहीं बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है आप ट्राई कीजिएगा आपको इन पसंद आएगी ठीक है साथ ही मैं जी बनाने जा रही थी रोटियाँ भी सिंपल रोटियाँ बनाने जा रही हूँ क्योंकि सभी के तकरीबन गले खराब है सिर्फ मुकदस बीच में से हमारी बची हुई थी और बाकी सभी तकरीबन बीमार हैं और सिंपल रोटियाँ बना रही हूँ मुकदस यूं के पाड़ी थी और बच्चों को साथ साथ में देख रही थी क्योंकि वो जाकर उनके पास बैठ जाती थी और मैंने कहा कि भाई ना मैं जल्दी जल्दी से ना साथ ही मैं रोटियाँ भी बना लूँ अच्छा सूप जो मैंने यखनी बनाई थी वो भी बन चुकी थी तकरीबन आप कर लें उसकी टाइमिंग मैंने आधा घंटा लगाई थी ये देख लें ये बहुत अच्छे से कहा गया अब हमने इसको छान लेना है साथ ही में जी मैंने चाय भी बना लिया है रोटियाँ भी मार रही हैं तो चलें आप ऐसे करती हूँ खाना फ़ाइनल करके ना तो फिर खाने की टेबल पर ना आपसे मिलते हैं आमना इब्राहिम जी खाने की टेबल पे साथ में नहीं है तो यकीन करें कि बिल्कुल रौनक ही नहीं थी लग रही खाना ऐसे बैठ के खाने का दिल ही नहीं था कर रहा और वे वैज, मिक्स वेजिटेबल बनाई थी साथ ही में एक दिन पहले मैंने करेले बनाए हुए थे वो भी मैंने रखे थे और साथ ही में जी मटन जो है जिसका मैंने यखनी निकाली है वो भी मैंने एक बाउल में डाल के रख लिया था कि साथ साथ में अगर किसी ने लेने हैं तो ले, ले मैंने और अम्मी ने लिया था

तो जी आज मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी आपके साथ शेयर की है उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी अच्छा आजकल के जिस तरह का वेदर चेंज हो रहा है तो हमारा बहुत ज़्यादा मतलब मटन के सूप के साथ ना बहुत ज़्यादा हमें फ़र्क पड़ा है गले में भी और जो निकाश सी हो जाती है ना जो जिसमें कमजोरी सी हो जाती है बुखार की वजह इस से इससे वो बहुत ज़्यादा मतलब के हमारी बेहतर हुई है ठीक है अब अलहमद्ला आमना भी पी लेती है तो उसको भी बना के दिया था आज की वीडियो में जी जितने मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया लिंक मैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी आप वहाँ से देख लीजिएगा और अगर आज की भी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है मिलोगे मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हाफिज़